Hey, what's up guys? तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं या जिनकी लाइफ में अब तक सिर्फ फेलियर्स ही आए हैं। मेरा पर्पस उन लोगों को रियलिटी से रूबरू करवाना और उनके बुरे टाइम्स से उनको बाहर निकालना है। गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल गेट्स, जो वर्ल्ड के नंबर वन रिचेस्ट पर्सन हैं और आज माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने बीच में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया और दो लोगों के साथ पार्टनरशिप में एक कंपनी खोली जिसका नाम था ट्रैफोर्ड डेटा, जो बुरी तरह मार्केट में फ्लॉप रही। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था। अमिताभ बच्चन, जिन्हें एक टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से ये रिजेक्ट कर दिया गया था ये कहकर कि उनकी आवाज़ काफ़ी मोटी है, उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और वहाँ उनकी पहली 12 फिल्में फ्लॉप रहीं, बट फिर भी उनके अंदर अपने काम को लेकर जुनून था और वो आगे बढ़ते रहे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। स्टीव जॉब्स, एक टाइम पे उनकी एप्पल कंपनी दिवालिया हो गई थी और उन्हें अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से अपनी कंपनी के साथ जुड़े और आज एप्पल कंपनी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है। एल्बर्ट आइंस्टीन, चार साल की एज तक बोल नहीं पाते थे और 7 साल की एज तक कुछ भी रीड नहीं कर पाते थे। उनके स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स सोचने लगे थे कि आइंस्टीन मेंटली हैंडीकैप्ड है, और हाँ, उनका मानना ठीक भी था, उन्हें बचपन से ही डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी थी, बट आइंस्टीन ने काफी स्ट्रगल किया और अपनी बीमारी से बाहर निकले और आज हम स्टूडेंट्स के लिए वो इंस्पिरेशन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो एक टाइम पे दिल्ली में वॉचमैन की जॉब किया करते थे, कुछ टाइम बाद उन्होंने वहां से जॉब छोड़ दी और अपने सपनों को लेकर फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में अपना हाथ आजमाने चले गए, बट वहां कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अपनी मूवी में एक छोटे और सांवले कद के बंदे को एज ए एक्टर नहीं लेना चाहता था, बट नवाजुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी और छोटे छोटे थिएटर्स में एक्टिंग करनी स्टार्ट कर दी और देखते ही देखते आज वो इंडिया के टॉप मोस्ट एक्टर में से एक है। थॉमस एडिसन, जो 1000 times फेल रहे लाइट बल्ब की खोज करने में, बट एट लास्ट वो सक्सेसफुल हो ही गए और दुनिया को पहला लाइट बल्ब इन्वेंट करके दे दिया। सो प्लीज यार, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स हैं देन कांग्रेचुलेशन, एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है। देखो यार, सिंपल सी बात है, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला कि उन फेलियर्स को लेकर बैठ जाओ, पूरे दिन उनके बारे में सोचते रहो, खुद को भी डिमोटिवेट करो और अपने आसपास के लोगों को भी डिमोटिवेट करो जो सीधा फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा कि उन फेलियर्स को अपने इंस्पिरेशन बनाओ, आपका जो गोल है या आपकी लाइफ का कोई भी ड्रीम है उसे फॉलो करो, आपके लिए कोई दूसरा कुछ नहीं करने वाला, आपको खुद ही अपनी लाइफ के डिसीजन लेने होंगे और लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। दोस्तों, फेलियर्स तो आपकी लाइफ में आएंगे ही, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आपने अब तक ये तो देख लिया होगा कि किसी को भी पहली बार में सक्सेस नहीं मिली है, तो बस यार देखना ये है कि आप कब तक इस लाइफ की गेम में टिके रहते हो। तो दोस्तों, प्लीज मोटिवेट रहो और अपने आसपास के लोगों की हेल्प करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट में पूछे, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। शेयर करें इस वीडियो लोगों के साथ जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।